बीबीसी हो, अल जजीरा हो, सीएनएन हो, मेन स्ट्रीम के जितने दुनिया के आउटलेट्स हैं, इवन कंजर्वेटिव के फॉक्स वगैरह भी, या तो वो समझते नहीं सर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, या फिर भारत से फीड ऐसी जा। बीबीसी जो कि अंग्रेजों का सरकारी न्यूज नेटवर्क है, उसने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है जिसमें वो भारत की सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट पे सवाल उठा रहे हैं। ये डॉक्यूमेंट्री बनाने के 2-3 रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन ये कि जो भारत में उनके अभी भी मानसिक गुलाम बचे हुए हैं उन्हें खुश करने के लिए उन्होंने ये डॉक्यूमेंट्री बनाई हो। दूसरा रीजन, बीबीसी ने अपने देश में अपने लोगों को ये दिखाने के लिए भी हो सकता है डॉक्यूमेंट्री बनाई हो कि भारत अब भी उनकी कॉलोनी है और वहां फाइनल जो ज्यूरिसडिक्शन होगा, जो फाइनल फैसला होगा, वो आज भी हम ही करते हैं। तो ये सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स उन्हें जो है, तो अपनी पब्लिक को ये चूर्ण खिलाने के लिए भी हो सकता है उन्होंने ये डॉक्यूमेंट्री बनाई हो। तीसरा रीजन ये कि अब उनके बस का कुछ है नहीं और भारत जिस स्पीड से प्रोग्रेस कर रहा है, हम इकोनॉमिकली उनसे आगे निकल चुके हैं और आगे निकल जाएंगे, तो ये उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो अब जितना उनसे बन पड़ रहा है ना, वो कोशिश कर रहे हैं हमारे ऊपर कीचड़ उछालने की, ये सोच के कि कुछ ना कुछ तो चिपकेगा। और रही सही कसर हमारी सरकार ने पूरी कर दी इसको बेवजह की अटेंशन देके, हालांकि इसको भारत में बैन कर दिया, ये सही किया गलत किया मुझे नहीं पता, लेकिन इसको इतनी अटेंशन देनी ही नहीं चाहिए। खैर, बीबीसी को बिल्कुल अच्छे से एक्सपोज किया है तारिक फतेह साहब ने। इंटरव्यू की कुछ क्लिप आपको इस वीडियो में मिल जाएगी और अगर आपको 1 घंटे का पूरा इंटरव्यू देखना है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। रही है कि वो कैंपेन वो 2002 के राइट्स की खत्म ही नहीं होती, कैसे सर सूरत हाल को आप देखते हैं? देखिए, इंडिया में एक क्लास पैदा हुई है, वो मैं उनको आई माइट साउंड मिसोजिनिस्ट, लेकिन ये आंटी क्लास है, ये अमन की आशा और वो जैसे पाकिस्तान में हालत है ना कि 60% ऑफ द डॉक्टर्स नेवर प्रैक्टिस, क्योंकि वो लड़कियां होती हैं, उनके रिश्ते आते हैं, तो वो शादी के लिए दे आर बेटर वाइव्स के MBBS करके। तो इसी तरह एक पूरी क्लास इंडिया में मर्दों और औरतों की है जिनका ये काम रह गया है कि वो किसी तरह बहुत ही इनलाइटेंड अपने आप को साबित करें, खासतौर पे वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज में। तो आप देखेंगे कि इंडिया के जो एकेडमिक्स हैं, जो एक क्लास है पूरी, वो मोदी जी के ज्यादा अगेंस्ट बोलती है कंपेयर टू एनीबॉडी एल्स। उनको कोई ऐसी तस्कीन मिलती है कि ये चाय वाला कहाँ से प्राइम मिनिस्टर बन गया, को होता कोई पोरो प्लेयर, कोई इमरान खान जैसा होता इंडिया के लिए, उसकी होती 5-6 बीवियां और गर्लफ्रेंड्स होती हैं और वो दौरे करता दुनिया का, ये कहाँ से आ गया पूरी इंडिया को 5वीं वर्ल्ड इकोनॉमी बना गया। इनमें उनको मजा नहीं आता। एक वो पूरा एक सिस्टम है जो मैं समझ सका हूँ कि ये गरीब लोग गरीब क्यों नहीं रहते, ये घर में क्यों नहीं रहते, मतलब हम इतनी मेहनत करते हैं, पैसे वाले हैं, ये देखिए गरीबों को ठीक कर रहे हैं, उनको वॉशरूम बन रहा है, उनका सबके पास कार्ड बन रहे हैं, इकोनॉमी बढ़ रही है, जॉब्स निकल रही है, ये बड़ी तकलीफ देह बात है। गुर्बत से जो प्यार है पैसे वालों को, इंडिया सिर्फ नहीं मतलब पाकिस्तान में भी यही हिसाब है कि ये गुर्बत हम कल्चर बना लें अपना, और अगर हमको कोई उठाने वाला आ जाए तो बस नहीं, उसकी तो ऐसी की तैसी। तो बजाय बाकी दुनिया में आप देखेंगे कि अपने तरफ से लोग नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, उसकी फिलॉसफी से इतराज कर सकते हैं, कि क्या पॉलिसीज हैं, क्या प्लेटफॉर्म है उसका, लेकिन ये जो इंडिया के ही लोग शर्मिंदा है नरेंद्र मोदी से, ये अमेरिकन इंडियन की क्लास है। आपने देखा होगा वो एक तो वो जो मेंबर ऑफ कांग्रेस है खन्ना जी, वो पाकिस्तानी लॉबी के इंचार्ज थे खन्ना, मैंने सुना है आप कुछ सुधर गए, लेकिन उनको ये था कि बस ये कहां से आ गया चाय वाला, मेरे ख्याल इसमें मरे जा रहे होते हैं। एंड एक तो उन्होंने मोस्ट इंडियन नॉन सिख नॉन मुस्लिम इंडियन जो है, मैं क्लैरिफाई करूं, वो तो अपनी अपनी सियासत में लगे, खालिस्तान बना रहा है कोई इस्लाम का, दुनिया भर पे वो कर रहा है। ये जो क्लास है जिसके कि हमारे CEOs बहुत ज्यादा हैं, हमारे ज्यादा कंपनी MBAs करके बैठे, ये बस सिर्फ अपने CEO की कदर कर सकते हैं, ये दफ्तर में लोग नहीं होते जिसको हम चमचागिरी कहते थे, ये उस कैटेगरी में फिट होते हैं। एंड इनको परवाह नहीं है कि पीछे क्या हो रहा है आगे क्या हो रहा है, दे विल कंटिन्यू दैट वे। एंड नजरियाती तौर पर आप इतराज कर सकते हैं नरेंद्र मोदी से कि ही इज ऑन द राइट साइड ऑफ द पॉलिटिकल क्या कहेंगे रेनबो, अल्टीमेटली ही इज अ फ्री एंटरप्राइज पर्सन। अगर आप कम्युनिस्ट पार्टी में हैं तो ठीक समझ में भी आता है कि आप इतराज कर रहे हो। ये तो नहीं हो सकता है कि आप अमेरिका में बैठे हुए हो, आप 2 लाख साल की सैलरी भी ले रहे हो, आप अपने घर पे भी शाएं शाएं कर रहे हो, और उसके बाद आप ये कहें कि ये जो प्राइम मिनिस्टर है हमारा, ये मुसलमानों के बहुत अगेंस्ट है। अच्छा, ये मुसलमान कम कहते हैं, ये आपके
के सो कॉल्ड इनलाइटेंड लिबरल हिंदूज जो के बात करते हैं कि गुजरात में क्या हुआ, वो ज्यादातर बात कर रहे हैं, या हमारा वो प्राइम फॉरेन मिनिस्टर बोल गया बुचर ऑफ गुजरात इज स्टिल अलाइव, देखिए साहब। तो ये दोनों का इंटरेस्ट मिलके, क्योंकि पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस ने तो लूटना, उन्होंने अपने फैमिली को भेजना है, किसी ने ऑस्ट्रेलिया जाना है, अमरीका जाना है, तस्वीरें भी आ गई जर्नैलो की लंदन में खड़े हुए बस का इंतजार कर रहे हैं, दुबई में कैसी शक्ल, कितना बेचारा लग रहा था। तो ये तो पाकिस्तान को छोड़िए, इंडिया के अंदर ये है कि एक अच्छा खासा लीडर जो पूरे मुल्क को आगे बढ़ा रहा है। आपको थोड़ा बहुत हम आप भी लेफ्ट से ही हैं, लेकिन यू कैन नॉट डिनाई दिस कि ही हैज इंट्रोड्यूस्ड एन एनर्जी इनटू अ कंट्री दैट इज टुडे नंबर 5 इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। ये कौन कर सकता। आज आप देखिए कि चाइना ने की पहली दफा अनाउंसमेंट हुई कि उनकी पॉपुलेशन गिरी है, एंड विद इन 10 ईयर्स आपके इंडिया विल बी द मोस्ट पॉपुलस एंड लार्जेस्ट कंट्री ऑन अर्थ। और ये नहीं है कि चाइना की तरह एक ही जबान बोली जा रही है, तो 400 जबानें, 29 स्टेट्स, 6 धर्म, यानी जोरास्ट्रियन से लेके कैथलिक और एंग्लिकन और इवेंजलिस्ट और मुसलमान और शिया और सुन्नी और अहमदी, देवबंदी, बरेलवी, जिसको देखेंगे आप मिल जाएगा इंडिया में। हाँ, सब अपने अपने उसमें रखेंगे, हमारी नहीं सुनी गई, हमने तन से जुदा कर देंगे, ये सब चलता रहता, बट द कंट्री इज मूविंग अहेड। उसके पड़ोस के जो देखें आप, बताइए पाकिस्तान जो है, मेरी खबर तक तो ये कि बांग्लादेश में भी जो अब शुरू हो गया एंटी हिंदू, वो पाकिस्तान के लोग जाके वहां करवा रहे, और हमारे यहाँ पकड़ पकड़ के बच्चियों को हिंदुइज्म से मुसलमान कन्वर्ट करा के और क्रिश्चियन बच्चियों को चीन भेज रहे हैं, यू नो। तो कुछ हम सड़कते रहते हैं जेलस होके इंडिया की तरक्की देख के, कुछ इंडिया के जो अपर क्लास है और वो लिबरल क्लास है वो होती कि ये कैसे हो गया कि यू नो चुटकी बजाने से वो नौकर आ जाए, 4 आदमी आ जाए, वो हमको चाहिए हिंदुस्तान। ये थोड़ी कि हर आदमी की इज्जत ठीक हो जाए और पीपल डू देयर ओन वर्क, यहाँ आके सारे टॉयलेट अपने साफ कर लेंगे, वॉशरूम भी बर्तन भी धो लेंगे, वहां जाके नहीं होता, हाथ नहीं चलता इनका। तो दोज पीपल हु आर बीइंग गिवन शोन द रियलिटी कि हाउ यू कैन नॉट बी अ डेवलप्ड कंट्री इफ यू सेलिब्रेट पॉवर्टी इन योर ओन बैकयार्ड, और वो उसको समझते हैं, हमारे इंडियन एकेडेमिक्स जो है वो ही समझते हैं कि नरेंद्र मोदी को क्या हक पहुंचता है कि वो हमसे ज्यादा फेमस हो जाए, हमारा घर तो इतना महंगा, तो इसी में कुड़कुड़ के मर जाएंगे वो। नरेंद्र मोदी जो है वो 5वीं से लेकर 4थी उस पर आ जाएगा। G20 को लीड कर रहा है एक आदमी, और वो मीटिंग होगी लद्दाख में, पाकिस्तान जितना चीखता रहे चीखता रह जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि भारत में जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है वो थोड़ा सा सेंटर राइट की तरफ है। हाँ। लेकिन भारत का जो सेंटर राइट है वो वेस्टर्न वर्ल्ड के सेंटर राइट से बहुत मुख्तलिफ है, चूंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी जिस तरह चीजों को देखते हैं वो अगर हम वेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में सर देखें तो वो तो सेंटर लेफ्ट बनता है कि वो इकोलॉजी की भी बात करते हैं। नहीं देखिए ना, अभी तो मोदी जी अगर चाहें, अगर हमारी दो पैसे की बात सुन लें, इफ दे स्टार्ट मार्केटिंग इंडिया एज द ओनली वेजिटेरियन कंट्री इन द वर्ल्ड, इंडिया के फेवर में बात जाती है जो कोई जानता ही नहीं इंडिया में, इट इज द ओनली कंट्री ऑफ सिविलाइजेशन जिन्होंने यहूदियों को नहीं मारा। आप नीचे चले जाइए केरला में, आपको अभी भी वहां जो उनके वो हैं सिनेगॉग्स हैं, उनके दूसरे लोग, दूसरे मजहब के लोग उसका ख्याल रख रहे हैं, नेगेटिविटी है ही नहीं अगेंस्ट। आप जरा से हटके अरब वर्ल्ड को तो छोड़ें, वो फिर सियासी मसला होता है, यूरोप में चले जाइए, चीन में जाइए, आप कहीं पे भी जाइए, हेटिंग जू वॉज द इजिएस्ट थिंग टू डू। और ये हिंदुस्तान है जिसमें मुसलमान और यहूदी तो गारंटीड, द ओनली प्लेस ऑन अर्थ जहां एंटी जूश सेंटिमेंट नहीं था, दैट वॉज हिंदुस्तान, और वहीं आके मुसलमान भी टिका। और हनूद और यहूद को गालियां देते हुए बताइए कितने साल हो गए, अब तक वो कस्बा हिंद नहीं छोड़ते, हिंदुस्तान के मुसलमान सरतन से जुदा क्या है, हाँ हाँ, अब तो उसका अब्रीविएशन बना दिया है SRTJ, सरतन से जुदा, हाँ वो LOL होता था पहले, अब उसको बना दिया। हाउ कैन अ पीपल हैव सो मच हेट्रेड दैट दे कैन नॉट फोकस ऑन व्हाट इज गुड इन पीपल एंड जस्ट हेट एवरीथिंग एल्स। अरे हम आए ना, हम हिंदुओं से मुसलमान बने हैं ना, तो या तुम बाहर से इन्वेड करके आए, लूट के ले गए तैमूर की तरह, या जैसे हमारे कसूर के शेख लोग होते हैं, वी आर ऑल कॉन्वर्ट्स, इसीलिए हम शेख, आप भी कसूर के शेख हैं, मैं भी कसूर का शेख, दोनों हम लोग एंटी पॉइंट से आए हैं।
शेख वॉज गिवन टू पीपल हू बी कन्वर्टेड टू इस्लाम। अब इसमें ये सच है, इसमें बोल, इसमें टेंशन की क्या बात है भाई? तू सुबह निहारी खाता होगा दिल्ली में, हम रात को डिनर बना के खाते हैं, फर्क कोई नहीं है। लेकिन आप बॉर्डर क्रॉस करिए, आप दुनिया में कहीं चले जाइए सिवाय हिंदुस्तान के, एक पाकिस्तानी मुसलमान या अफगानिस्तानी मुसलमान या बांग्लादेशी मुसलमान को अपना घर सिर्फ हिंदुस्तान में मिलेगा, उन्हीं से दुश्मनी करके बैठे नहीं। यहाँ अच्छे लोग हमको तमीज से बात करते थे, हम इनकी पिटाई करेंगे। अरे सब है, इंडिया के पास क्या नहीं है? ऐसा ऐसा वो एक जो वियोन न्यूज पे पढ़ती है बच्ची खबरें, आई फॉरगेट हर नेम, शी इज द वर्ल्ड्स बेस्ट न्यूज़कास्टर। मैं आपको किसी एंगल से आप मेजर करें, आई फॉरगेट हर नेम, हाउ शी कंस्ट्रक्ट्स द न्यूज, हाउ शी डिलीवर्स इट, वो शी इज शुड बी एन इंटरनेशनल प्रॉपर्टी, शी शुड बी द वॉइस ऑफ इंडिया अराउंड द वर्ल्ड। शी नोज the profession, she knows how to write, how to speak, how to interview, how to investigate. अरे सर कम नहीं है, भरा हुआ पूरा। कम से कम 50,000 टॉप क्वालिटी के आपके किसी टाइम पे भी टीवी रेडियो और मीडिया के जर्नलिस्ट होंगे। लेकिन सर भारत का जो जनरल मीडिया है, चाहे वो इंग्लिश का हो चाहे वो हिंदी का हो, उसमें चीख दहाड़ होती है इवन इंग्लिश के मीडिया में। और मेरा ये हमेशा सवाल उठता है कि अगर इनको इंटरनेशनल मीडिया पे आना है तो इनको प्रेजेंटर्स तो इंटरनेशनल रखने होंगे ना, जैसे अल जजीरा ने किया हुआ, सारे टॉप के जो प्रेजेंटर्स हैं उन्होंने हायर किए हुए, एक भी अरब नहीं काम करता, ठीक है ना जी? तो क्या इस तरह की सोच भारत में डेवलप हो सकती है या भारतीय डायस्पोरा में एटलीस्ट डेवलप हो सकती है? भारत इज इंजर्ड वुंडेड एनिमल, वो नेपाल ने कहा था, वुंडेड सिविलाइजेशन है सर। देखिए दुनिया का सबसे अमीर मुल्क 300-400 साल में दुनिया का सबसे गरीब मुल्क बना दिया है, $45 trillion लूट के ले गया अंग्रेज यहाँ से। जो मुसलमान आए थे लूट मार करने वो यही रह जाते थे, घोड़ा लेके जाता था, पता था यहाँ गर्मी, हर सर्दी के बाद यहाँ गर्मी भी आती है, उन्हें कहा यार लेके जाओ अगले साल और लेके आओगे। सो बट यू हैव टू बी असर्टिव। एंड ये जो बात आपने की है ना कि why can't India develop an international forum where you could pick up the phone and somebody says, well, this is Doordarshan from India, Mr. Kissinger, we would like you to appear, and he would love to come. और इतनी huge audiences, my goodness, मैं जब वो फतेह का फतवा करता था shows ही टीवी पे, there were millions of viewers just to watch the show, छोटे बच्चों से लेके ऊपर तक सड़क पे पकड़ लेते थे लोग, people are affected, but ego बहुत है हमारी उस क्लास का, ये जो पठान मूवी बना रहे या ये सब करें, ये अपने आप को अपना ईगो खत्म करने के लिए तैयार नहीं है। एक कॉमन स्लोगन इंडिया में बहुत ज्यादा,